हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो भाई यहाँ न्यूज़ ये है कि पुतिन ने लॉन्च कर दी है हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन के ऊपर। अब इसके अलावा भी बहुत सारी खतरनाक न्यूज़ है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो एक्चुअली न्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया वो यही है कि भाई यहाँ पर जो मॉस्को है और वहाँ पर उसने लॉन्च करी क्रूज एंड हाइपरसोनिक मिसाइल को, जिसका टारगेट था भाई यूक्रेन की मिलिट्री असेट पे एज इट स्टेप्स अप इन द मिलिट्री ऑफेंसिव। तो ये तो देखिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है, और क्या है पूरी खबर हम समझेंगे बहुत अच्छे से। बट आइए शुरू करने से पहले थोड़ा अन अकेडमी और अपने फ़ायदे की बात करिए। अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाली है 27 मार्च को, और जो जो पार्टिसिपेट करेगा एकदम फ्री है। आप एनरोल कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कोड सिर्फ IAS यूज़ करके, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन के साथ साथ स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स अप टू ₹15 करोड़ तक का मिलने का चांस है। साथ में यहाँ पे इनकी अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स और सीसैट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इसमें भी आप एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ IAS टू गेट डिस्काउंट्स। नए बैचेस 23 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसमें भी एनरोल कराइए। आइकॉनिक बैच अगर लेते हो तो इसमें आपको लाइव मेंटरशिप वगैरह काफी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जस्ट यूज माय कोड सिर्फ IAS टू गेट द 10% डिस्काउंट। ऑप्शनल कोर्सेज कई सारे होने के साथ अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे 0% EMI अवेल कर सकते हो, मतलब नो प्रोसेसिंग फीस, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। डू सब्सक्राइब, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सिर्फ IAS फॉर अवेलिंग डिस्काउंट एंड आल्सो माय हेल्प। कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री का ही कहना है कि इन्होंने यूक्रेन को अटैक करा विद क्रूज मिसाइल्स फ्रॉम शिप्स इन द ब्लैक एंड द कैस्पियन सी में, एंड हाइपरसोनिक मिसाइल से फ्रॉम द क्रीमेनियन एयर स्पेस। खुली बात कह रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन मेजर जनरल ये जो लिगोर कोनास्कोव हैं, इनका ये कहना है कि संडे को दैट दी किंजिल डैगर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये हिट करी यूक्रेनियन फ्यूल डिपोर्ट को इन कोस्टियंट निक्विका नियर द ब्लैक सी पोर्ट ऑफ माइकोल, आपका माइकोलाइव। ये तो ऐसे ऐसे नाम है ना, खतरनाक खतरनाक, जैसे हम लॉकडाउन में क्वारंटीन वगैरह ही अभी सीखे ही थे समझना, और यहाँ पे जो है ऐसे खतरनाक खतरनाक नामों से हमारा पाला पड़ने लग गया। खैर अपार्ट फ्रॉम जो ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, इन्होंने कहा कि भाई आपका कैलिबर क्रूज मिसाइल जो है वो लॉन्च करी गई है फ्रॉम द वाटर टू द ब्लैक सी अगेंस्ट द निजायन प्लांट दैट रिपेयर्स यूक्रेनियन आर्मर्ड व्हीकल्स डैमेज इन फाइटिंग। तो इस प्लांट पर इन्होंने जो है मिसाइल को कर दिया है, और ये प्लांट जो है वो क्या करता था कि रिपेयर करता था यूक्रेनियन आर्मर्ड व्हीकल्स को जो कि फाइट वगैरह में डैमेज होते थे। अब अटैक से क्या है, अटैक्स मार्क द सेकेंड डे इन अ रो दैट रशिया यूज्ड किंजाल। ये लगातार दो दिन इन्होंने रशिया ने किंजाल को यूज़ करा है, और ये कैसा वेपन है ये जो कैपेबल है स्ट्राइकिंग टारगेट 2000 किलोमीटर, मतलब 1250 माइल तक दूर जा सकता है एट 10 times द स्पीड ऑफ साउंड, 10 गुना साउंड की स्पीड से 10 गुना आके, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कोनाशेनकोव ने ये भी कहा कि एक दूसरा अटैक एयर के द्वारा, एयर मिसाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है जो फैसिलिटी को हिट किया इन दी ओवरुच इन द नॉर्दर्न जायतोमर रीजन, जहाँ पे फॉरेन फाइटर्स और यूक्रेन स्पेशल फोर्सेस बेस्ड हैं। इसके पहले रशियन मिलिट्री ने कहा था कि किंजाल को यूज़ करा गया है पहली बार लड़ने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए एन एमिनेशन डिपोज इन द डिलियाटन इन द कारपेथियन माउंटेन्स इन वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर। अभी देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, अभी देखा आपने सुना होगा न्यूज़ की पुतिन जो है वो अपनी फैमिली को लेके बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। तो भाई ये देख रहे हैं रेडिएशन से इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है, और अब न्यूक्लियर वेपन्स का तो नहीं यूज़ करने जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं देख रहे हैं। तो ये अब लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होती चली जा रही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैमिकेज़े ड्रोन्स के बारे में जानते हैं। देखिए रशियन प्राइड्स इटसेल्फ ऑन एडवांस वेपनरी, आपको पता ही है रशिया के पास इतनी एडवांस प्रेजेंट वेपनरी है कि उस पर उसको गर्व है। तो ऐसा पुतिन का कहना था दिसंबर में कि रशिया जो है ग्लोबल लीडर है हाइपरसोनिक मिसाइल में, जिसकी स्पीड अगर मैं कहूँ, अगर चलने की चीज़ बताऊँ तो एटीट्यूड जो है इतना मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ भी इतनी मुश्किल है कि आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते इनकी किसी मिसाइल को। किंजाल की मिसाइल पार्ट है एरे ऑफ वेपन्स का, जिसे 2018 में रशिया ने सबके सामने रखा था, और रशिया ने पहली बार यूज करा हाइपरसोनिक मिसाइल का ड्यूरिंग इट्स मिलिट्री कैंपेन जो कि सीरिया में हुआ था 2016 में। पुतिन ने
कहा कि जो किंजल मिसाइल है वो एक आइडल वेपन है, इसकी स्पीड और एबिलिटी तो भाई समझ लीजिए बहुत है ओवरकम करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स को। और ये ऐसी मिसाइल है जो कैपेबल है कैरी करने के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, और ये माना जा रहा है कि भाई एंड इट्स बिलीव टू बी अनडिटेक्टेबल। तो ये समझिए न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर लेगी और कोई वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसा भी कहना है। इसे अनस्टॉपेबल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा गया है, तो आप समझिए कितना खतरनाक है सब मामला। पुतिन ने कहा कि एक एरे ऑफ न्यू हाइपरसोनिक वेपन 2018 में ये वन ऑफ द मोस्ट बेलिकोस स्पीचेस हैं ईयर्स की। ये कह के कि भाई ये ऑलमोस्ट किसी भी पॉइंट को वर्ल्ड के हिट कर सकती है, एनिवेट कर सकती है यूएस बिल्ड मिसाइल शील्ड को। उसके बाद इन्होंने ये भी डराया कि भाई हम टू डिप्लॉय हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑन शिप्स एंड सबमरीन्स दैट विल लर्क आउटसाइड यूएस टेरिटोरियल वाटर, ये यहाँ टहलेंगी अगर वॉशिंगटन ने यहाँ पे मूव करा टू डिप्लॉय इंटरमीडिएट रेंज वेपन्स इन द यूरोप। तो रशिया यहाँ पे बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले रहा था, पहले भी कई सारी ऐसी स्पीचेस उसने दी थी और आज भी जो है इसने सीधे सीधा कई सारे शब्दों में बहुत सारी बातें कह रखी हैं और अब तो करके भी दिखाने लग गया है। तो यूएस ने एक्टिवली परस्यूट करा है डेवलपमेंट हाइपरसोनिक वेपन्स का, ऐसे मूविंग वेपन्स का जो फ्लाई करें एट द स्पीड ऑफ एटलीस्ट मैच 5 की एज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक प्रोग्राम सिंस अर्ली 2000 से स्टार्ट कर दिया था, ऐसा या आपकी जो न्यू कांग्रेशनल रिपोर्ट के हिसाब से देखने को मिलता है। और ये वेपन्स जो है वो रिस्पॉन्सिव या लॉन्ग रेंज या स्ट्राइक ऑप्शन के तौर पर यूज करे जा सकते हैं अगेंस्ट डिस्टेंस डिफेंडेड एंड टाइम क्रिटिकल जो खतरे हैं उनको लेके। तो जब ज़्यादा सारी फोर्सेस अनअवेलेबल हों या एक्सेस डिनाई कर दें या प्रिफर ना करी जाए, तो अब दोनों तरफ से यूएस भी कहता है कि भाई हमारे पास भी काउंटर करने के लिए चीज़ें हैं, बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये कहती है कि भाई यहाँ पे वेस्ट की कंट्रीज़ को रशिया से बैठ के बात करनी चाहिए, सैंक्शंस कम करने चाहिए, तभी ये मुसीबतें हट सकती हैं। अदरवाइज़ ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है रशिया वो नहीं झुकने वाला है और इससे बहुत ज़्यादा मानवता को, बहुत ज़्यादा लोगों को, सिविलियंस को सब तरह से नुकसान हो सकता है। तो ये आपकी क्या इस पर राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।